महाभारत पृष्ठभूमि द्वापर युगरे ला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मध्य काहाकु मारि नाहंती अनेक पापी मानकु मारिबाकु आसीथिले मध्य केही मरि नाहंती जणे मरिछंती से होछंती पितामह भीष्म आज्ञा बावन दिन कंटकित सरसज्जारे सोई सोई पितामह भीष्म भगवान कृष्ण केशवंकर नाम को मने मने अहरह जप करुछंती भगवान कृष्ण पांडव मानक साथीरे धरी युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म निकट पहुँचीगले प्रणाम कले भीष्म को कले हे पितामह आज बावन दिन कंटकित सरसज्जार अंतिम दिवस सूर्यंकर उत्तरायण है ये संसार रु विदा नेबार समय हो गला आपणकर विदा नियंतु पितामह कहतु अंतिम बेलारे आपणकर इच्छा कौन अच्छी कौन आपण चाहती पितामह भीष्म बहु कष्ट सरबिद्ध दुई हाथ को ऊपर को टेकी प्रणाम जनइले कहले हे ब्रह्म नारायण हे कृष्ण आशीछ तुम्हें कौन जानिना तुम्हें पूरा अंतर जमी समस्त अंतर कथा को जानी पार बोली तो तुम ना अंतर जमी आ मो अंतर भितर कौन कामना अच्छी आपण कौन जानी ना हाथ जोड़ी पितामह भीष्म कहिले हे केशव शेष बेलार मुटके तुम से ही नंद नंदन बाल गोपाल रूप को दर्शन कर ये इहधाम त्याग करने को चाहिए येक दया कौन करनी केशव कृष्ण हाथ टेकदे कहले ठीक अच्छे आपणकर अंतिम अभिलाष मु निश्चय पूरण करी मायाधर चिंतामणि सांगे सांगे बाल गोपाल रूप को धारण कले देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को भुलाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोरी हरि हरि हरे मुरारे हे नाथ नारायण प्रभु भगवान कृष्णंकर से बाल गोपाल रूप को दर्शन करी पितामह भीष्म स्वदेहरे वैकुंठ को यात्रा कले केवल जणे मरीते द्वापर युगरे महाभारत पृष्ठभूमि से होती पितामह भीष्म आज तो समय हो गला कार्यक्रम को आम ये विराम दौ आगामी अध्याय पुराण पृष्ठ आउ गोटे मन छुआ प्रसंग नहीं आपण मान सहित भेट हेब से जाए विदाय दिंतु समस्त को सप्रेम जय जगन्नाथ।